ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा। पिछले वीडियो में हमने जो है ग्रुप की डेफिनेशन को समझा था, आज जो है हम इस पर एक एग्जांपल करेंगे। जैसा मैंने लिखा है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस। तो इंटीजर को हम जानते हैं, ये होता है जेड प्लस। तो यही चीज़ हमें दिखानी है प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, जो ये इंटीजर का सेट होता है ये ग्रुप बनता है, यानी वही चीज़ मैंने लिखी है। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन को हमने समझा था पिछले वीडियो में। ग्रुप होने के लिए जो है चार बातें होनी चाहिए थी किसी सेट के साथ। पहली कंडीशन थी क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात ये जो है इस पर ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी, या इसको एक बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करना चाहिए या इसके लिए ये क्लोजर होना चाहिए। उसके बाद एसोसिएटिव होना चाहिए, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और आइडेंटिटी के बाद जो लास्ट हमारा था हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम बोल देते थे ये ग्रुप बन जा रहा था। और ग्रुप के साथ साथ मैंने कहा था अगर ये इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर सेट जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होल्ड करे तो इसको हम एबेलियन ग्रुप बोलते थे। तो बल्कि यहां पर हम जो है जैसा मैंने लिखा है प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म से एबेलियन ग्रुप भी इसको लिख सकते हैं। देखते हैं एबेलियन होता है या नहीं होता है, इसको प्रूव करेंगे। एबेलियन ग्रुप, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस। तो दिखाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम, दिखाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, तो जैसा हम जानते हैं, मान लेते हैं जेड प्लस हम जानते हैं क्या होता है, इसको लिख लेता हूं मैं यहां पर। सेट ऑफ इंटीजर है प्लस यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है, तो इंटीजर्स होते हैं हमारे 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है, यहां पर प्लस लेनी है हमने बाइनरी ऑपरेशन, और इंटीजर का सेट हमको ये दिया गया है। तो पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे हम दिखा रहे हैं इसमें। तो मान लेते हैं कोई भी दो अगर मैं इंटीजर लूंगा, इसमें से कैसे भी दो अगर मैं इंटीजर लूँ, चाहे कोई भी हो दो इंटीजर, अगर उनका मैं सम लूंगा तो वो एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे मैं यहां से 0 1 लूं तो 1 मिल जाएगा, 1 2 लूंगा तो जो है 2 मिल जाएगा, या 3 2, कोई भी दो इंटीजर लूं मैं, जैसे 1 और -1 लूंगा तो 0 बन जाएगा, 2 और -2 लूंगा 0 बन जाएगा, 2 और +2 -3 लूंगा -1 बन जाएगा। तो कोई भी दो जो है मैं अगर इंटीजर ले रहा हूं तो उनका सम जो है मुझे इंटीजर ही मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। मान लेते हैं ए कॉमा बी, हमने दो इंटीजर लिए जो बिलोंग कर रहे थे इस सेट जेड को। लिखने का तरीका है, इस सेट के मैंने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी, ये कोई भी जनरल हो सकते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें दिख रहा है ये, इसको मिटा देता हूं, ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, तो ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग टू जेड फॉर एवरी ए कॉमा बी। तो जैसा मैंने बोल दिया, यहां पर हम लिख सकते हैं नीचे से, सिंस द सम ऑफ एवरी इंटीजर इज अगेन इंटीजर, तो जो है दो एलिमेंट्स का जो सम होता है, दो इंटीजर का सम होता है, वो हमेशा इंटीजर ही मिलता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यहां पर इस पर होल्ड हो जाती है सेट ऑफ इंटीजर के बाद। उसके बाद अगला देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव देखने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैसे भी हम जानते हैं, जनरली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंटीजर के सेट में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो जो होल्ड होती है। कई बार मैंने भी पिछले वीडियोज में इसको दिखा रखा है। तो सीधे वही जेड इंटीजर का सेट हमारे पास जो था प्लस माइनस वन होता है, तो यहां पर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनेगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। कोई भी अगर हम दो तीन इंटीजर लेंगे, इसको आप देख सकते हो इंटीजर का सेट, सब जानते हैं अपने आप, इसको देखा जा सकता है, 1 2 3 ले लो या -1 -2 -3 ले लो, कोई भी सेट जो है प्रत्येक इंटीजर के लिए ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखते आ रहे हैं बचपन से, जो इंटीजर का सेट होता है वो प्लस के लिए एसोसिएटिव होता है। नंबर तीसरा होता है इसमें आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो लिखा था मैंने, ये कोई एलिमेंट है अगर इसको मैं जो है आइडेंटिटी से ऑपरेट कराऊं चाहे लेफ्ट या राइट से, तो वही एलिमेंट्स मिलना चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से करें। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी। तो यहां हमने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा
सेट है हमारा इंटीजर का, द सेट ऑफ इंटीजर। तो हमें देखना है क्या हमारे पास इंटीजर के सेट में, इंटीजर का सेट होता है हमारा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड डॉट डॉट। ये हमारा जो इंटीजर का सेट है, तो इस सेट में हमारे पास क्या, यहां बाइनरी ऑपरेशन ले रखी है हमने प्लस, तो क्या कोई ऐसी नंबर है जिसको जो है हम हर नंबर पर जोड़े तो वही नंबर मिले। तो यहां पर देखो हमारे पास 0, ये एक ऐसा नंबर है इसको मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड करूं या इस प्लस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करूं तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। तो यहां 0 बिलोंग्स टू जेड, 0 प्लस ए इक्वल टू ए, ये हो जाएगा एंड ए प्लस 0 दोनों तरफ से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। तो ए जो है मैंने कोई जनरल इंटीजर लिया और उसको 0 से लेफ्ट या राइट से कहीं से भी ऑपरेट मैंने कराया तो मुझे ए ही मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 को किसी भी इंटीजर के साथ जोड़ने पर जो है वही एलिमेंट आता है। तो ये बात भी प्रूफ हो गई, आइडेंटिटी भी हमने प्रूफ कर दिया। हमने जो है तीन प्रॉपर्टीज में दिखा दी जो ये इंटीजर का सेट था, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव, और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो होता है अगली चौथी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। दोबारा लिख दे रहे हैं इनवर्स। तो इनवर्स की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अगर किसी एलिमेंट्स को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता था। ये था डेफिनेशन ए, ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी या ए इनवर्स ए इक्वल टू ये। इनवर्स को जो है किसी एलिमेंट्स में लेफ्ट या राइट से कहीं से भी ऑपरेट कराया जाए तो उस पर आइडेंटिटी मिलती है। तो यही चीज हमें यहां देखनी पड़ेगी, जैसे इस पर जो है वो माना इसके दो एलिमेंट्स लेते हैं, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, वन लिया हमने, वन प्लस, तो वन के साथ क्या यहां पर इस सेट इंटीजर में हमें देखना पड़ेगा वन के लिए हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको इसमें वन के साथ ऑपरेट कराऊं या इस वन में ऐड करूं इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत तो मुझे आइडेंटिटी अर्थात जीरो मिलना चाहिए। तो यहां पर वन अगर है तो इंटीजर के सेट में माइनस वन भी है, तो सीधी सी बात है वन प्लस माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन प्लस, ये अर्थात दोनों साइड से जीरो ही मिल जाएगा। तो यहां पर वन एलिमेंट का इनवर्स माइनस वन हो जाएगा, ऐसे ही टू का माइनस टू दिखा सकते हैं हम, थ्री का माइनस थ्री, फोर का माइनस फोर एंड सो ऑन। और रही बात जीरो की, तो आइडेंटिटी के बारे में हम जानते हैं ये सेल्फ इनवर्स होता है, क्योंकि जीरो प्लस जीरो अगर मैं लिखूंगा तो मुझे जीरो ही मिलेगा चाहे किसी तरफ से मैं ऐड करूं। फॉर एवरी जीरो के लिए आइडेंटिटी जो है अपना सेल्फ इनवर्स होता है। उसके अलावा हमने देखा सेट ऑफ इंटीजर में हर एलिमेंट का जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड दियर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। हर ए के लिए जो है माइनस ए यहां पर जो है इसमें है, केवल जीरो के लिए जो है जीरो सेल्फ इनवर्स होता है हम जानते हैं आइडेंटिटी, उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। और हर एलिमेंट के लिए, हर ए के लिए जो है यहां एक माइनस ए एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे, सच दे ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो एंड माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। फॉर एवरी ए, प्रत्येक ए बिलोंग टू जेड के लिए जो है माइनस ए भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है, जैसा हमने यहां दिखा दिया मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिख दिया। तो हमने देखा जो सेट ऑफ इंटीजर था, इंटीजर का सेट जो है प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए या प्लस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, ये चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की होल्ड कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये जो है चारों प्रॉपर्टी इसने होल्ड की। अब उसके बाद अगली चीज देखते हैं क्या ये कॉम्यूटेटिव होता है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए प्लस बी अगर मैं ऐड करूंगा या बी प्लस ए लिखूं तो बात मुझे जो है एक ही मिलेगी। जैसे माना वन और टू लेते हैं हम, वन प्लस टू लिखें या टू प्लस वन लिखें, तो हर कंडीशन में जो है ये थ्री ही आना है। तो ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंटीजर के सेट में जो होता है, इंटीजर का जो सेट होता है उसके तहत जो है यहां पर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है होल्ड करता है, मतलब इंटीजर का सेट प्लस के लिए जो है कॉम्यूटेटिव होता है। तो इसके यहां पर इसके बिहेव में हम कह सकते हैं कोई भी और दो ले सकते हैं हम, जैसे माइनस वन माइनस टू प्लस, ये ऐसे भी ले सकते हैं एंड माइनस टू प्लस माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन, यानी माइनस थ्री एंड माइनस थ्री। तो
ये ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। कोई भी इंटीजर जो है चाहे प्लस का हो माइनस का, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया जो सेट ऑफ इंटीजर था वो जो है, या इंटीजर का सेट जो है प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक एबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा था। एबेलियन की डेफिनेशन ये वो लास्ट थी, इसको भी लिख देते हैं, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू जेड। दो हमने एलिमेंट्स लिए, दो इंटीजर लिए, तो ये फॉर एवरी, या ऐसे लिख देते हैं इसको, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमने लिख दिया और हमने दिखा दिया जो ये था। तो हमारा पहली चीज जो है प्रूफ हो गई है, इंटीजर के सेट में प्लस बाइनरी ऑपरेशन के जो इंटीजर का सेट होता है ग्रुप फॉर्म करता है। अब इसी की जगह हम बाइनरी ऑपरेशन जो है बदल देते हैं, इसी इंटीजर को लेते हैं सेट को और बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन यहां पर। तो एग्जांपल बन गया है, दूसरा हो गया, सेकंड एग्जांपल लिख देते हैं इसको, प्रूफ देयर द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म से एन अवेलियन ग्रुप। अब इसको जो है कंसिडर करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा होता है या नहीं होता है। प्रूफ देयर नहीं लिखते हैं इसको, यहां लिख देते हैं कंसिडर। Consider the set of integer forms an abelian group or not. Abelian group or not with respect to binary operation multiplication. तो अब यहां पर हमने जो है consider किया, इसको check करना है। पहला हमने दूसरा example है, integer के ही set को लेना है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, सेट अभी यही रहेगा, बस यहां पर बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो देखना पड़ेगा, दो इंटीजर से लेते हैं, तो हम जानते हैं दो इंटीजर कोई भी 1 2 2 1 2 6 कुछ भी ले, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इंटीजर ही आता है। तो लिख सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, या अगेन इंटीजर, इंटीजर मिलता है। तो इस पर जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, या इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देता हूं, ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाइड बाई बी बिलोंग्स टू जेड इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। कोई दो इंटीजर जेड की हमने लिए, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा जेड में ही आता है, या एक क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। उसके बाद एसोसिएटिव हमने देखा है, इंटीजर्स जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव लोगों फॉलो करते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, दूसरा दिखा सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर एवरी, ऐसी लिख देते हैं फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो तीन इंटीजर लेंगे और वो दिखा सकते हैं हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस तरह से होल्ड कर रहा है। ये भी बात ठीक हो गई। अब उसके बाद जो है अगला चांस आता है आइडेंटिटी का। तो इंटीजर के सेट में ऐसी कोई नंबर हमें ढूंढनी है जिससे हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिले। ये भी हमें शायद मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर जेड डॉट इंटीजर के सेट में 1 बिलोंग्स टू जेड है, और ये 1 से अगर मैं किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वही इंटीजर मिलेगी। तो फॉर एवरी, या इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 डॉट ए 1 मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू ए, या ए मल्टीप्लाइड बाई 1 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। तो आइडेंटिटी भी इसमें जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो है आइडेंटिटी के बाद अगला देखते हैं, क्या इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स की डेफिनेशन मैंने लिखी थी, ए ए इनवर्स ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू मिलना चाहिए मुझे आइडेंटिटी, चाहे मैं लेफ्ट साइड से ऑपरेट करूं या राइट से। ये था मेरा आइडेंटिटी का, ये इनवर्स का डेफिनेशन। अब देखते हैं इंटीजर के सेट में, कोई भी इंटीजर लेते हैं, सपोज 2 ले लिया। अब 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले 1। तो इंटीजर के सेट में देखो, अब अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मुझे एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब मैं 2 को जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं लिखूं 2 × 1/2 तो मुझे 1 मिल जाएगा, चाहे मैं लेफ्ट साइड से करूं या मैं राइट साइड से करूं, कहीं से भी इसको जो है मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा। लेकिन यहां पर देखना है, क्या ये 1/2 इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहा है? ये इंटीजर का सेट केवल 0 ± 1 ± 2 ± 3 होता है, और यहां 1/2 जो है, इसका मतलब ये 1/2 नॉट बिलोंग टू जेड है। तो ये 1/2 जो है
यहाँ पर जो टू का इन्वर्स होना चाहिए इस इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो जो है इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर इंटीजर के सेट में मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है या इन्वर्स इस सेट के अंतर्गत नहीं मिलता है। तो हम कह देंगे यहीं पर ये कंडीशन ग्रुप वाली फेल हो गई, केवल जो है इसमें क्लोजर था, एसोसिएटिव था और आइडेंटिटी एग्जिस्ट किया, तो ये केवल जो है मोनोइड तक बन पाया, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए जो इंटीजर का सेट होता है ये जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए जो होता है ये मोनोइड बनता है लेकिन ग्रुप नहीं बनता, ग्रुप नहीं बनता है तो फिर अबेलियन ग्रुप भी नहीं बनेगा, यहीं पर जो है ये स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद अब कुछ और एग्जांपल है, जैसे हमने इंटीजर दिखाया वैसे आप लोग खुद दिखा सकते हैं आर प्लस, ये रियल नंबर का सेट है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं फॉर्म करता है, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये रियल नंबर की डेफिनेशन बस इसमें क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले आता है रेशनल नंबर का सेट, ये रेशनल नंबर की हम डेफिनेशन जानते हैं, ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम पी बाई क्यू अर्थात भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिख सके, जहां पी एंड क्यू बोथ बिलोंग टू होना चाहिए इंटीजर, और जीरो भी रेशनल नंबर होता है, ये सब हम जानते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हमें क्लियर है तो हम उसके आधार पर ये दिखा सकते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर का सेट जो है प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप फॉर्म करता है। वैसे ही आर प्लस, अब इसमें जो है रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं रियल नंबर के सेट में, तो ये जो है इसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, यानी ये पी वाई क्यू फॉर्म वाले भी होंगे और जो पी वाई क्यू फॉर्म वाले नहीं होंगे वो भी आ जाएंगे। रेशनल और इरेशनल अर्थात जो दोनों जो है परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर रियल नंबर का सेट बनता है, या जिस ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव आए वो रियल नंबर के सेट में होता है, तो इसको भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमने इंटीजर को दिखाया सेम वैसे ही दिखाना है, यहां पर भी जीरो की आइडेंटिटी होगी, बाकी सब सेम है और बाकी जो है सेम वैसे ही दिखाना है, सेम टू इसको ट्राई करना। और एक और होता है इसके साथ सी प्लस, ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जिसको हम ये ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में जिसको हम लिख पाए, ये नंबर कहलाती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब जो है ट्राई किया जा सकता है, अपने आप देखा जा सकता है, तीनों जो है ग्रुप फॉर्म करते हैं। उसके बाद अब इंटीजर को हमने देखा मल्टीप्लीकेशन में जो है मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं बन पा रहा था, उसके बाद देखते हैं रेशनल नंबर, रियल नंबर और यही कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहला देखते हैं रेशनल नंबर लेते हैं, और हम जानते हैं रेशनल नंबर की अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है तो बहुत आसानी से ही क्लियर हो जाएगा, दो रेशनल नंबर का सम लें रेशनल मिलेगा, दो रियल नंबर का सम लें रियल मिलेगा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम लें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों में होल्ड होती है। उसके बाद जो है एसोसिएटिव लॉ को ये तीनों फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, रेशनल नंबर रियल नंबर जैसे इंटीजर में इंटीजर के सेट में जो है ये एसोसिएटिव हो रहा था, वैसे ही ये तीनों भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। उसके बाद जो है आइडेंटिटी, हम जानते हैं वन 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 रियल नंबर भी है, वन रेशनल नंबर भी है, वन बाई वन हम लिख सकते हैं, उसके बाद वन जो है रियल नंबर भी है, हर रेशनल नंबर रियल होती है, और उसके बाद जो है वन कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, हम लिख सकते हैं वन प्लस जीरो आई, एक्स प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो हम तीसरी प्रॉपर्टी को भी यहां प्रूफ कर पाएंगे, क्यू प्लस आर प्लस और जो सी प्लस में ये वन एलिमेंट होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, ये जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता है या आइडेंटिटी होता है, क्योंकि मैं वन से किसी भी रेशनल नंबर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वही नंबर मिलेगी। तो इन तीनों के केस में जो है ये तीनों वन जो है यहां पर ये रियल नंबर के सेट में, रेशनल नंबर के सेट में और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में वन आइडेंटिटी होती है। अब बात करते हैं इनवर्स की, जैसे रेशनल नंबर के सेट पर ये मैं बात करूं पहले, तो रेशनल नंबर के सेट में मल्टीप्लीकेशन के लिए सारे एलिमेंट्स का इनवर्स मिल जाएगा, जैसे वन बाई टू रेशनल है तो इसका इन्वर्स हमें टू बाई वन मिल जाएगा, वो भी रेशनल होता है क्योंकि हम उसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है केवल जीरो, क्योंकि जीरो रेशनल भी है, जीरो रियल भी है और जीरो कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि जीरो प्लस आई जीरो लिखा जा सकता है। तो यहां पर अगर हमें जीरो एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है तो जीरो का मल्टीप्लीकेशन के लिए हम जो है ध्यान देना है मल्टीप्लीकेशन के लिए रेशनल नंबर के सेट में इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जीरो का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, या जीरो का इन्वर्स हम वन बाय जीरो लिखा तो ये संभव नहीं है, ये परिभाषित नहीं होता है, इंडिटरमिनेंट होता है, या ये दूसरी बात हो जाती है। तो जो है हमें
इससे आगे जो है हम इसमें नहीं बढ़ सकते हैं, अर्थात मल्टीप्लीकेशन के लिए रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये भी केवल जो है मोनोइड तक ही जाएगा, उसके आगे ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं क्यू स्टार करके, क्यू स्टार माइनस या क्यू स्टार इसको डिनोट कर देते हैं, और क्यू स्टार होता है हमारा क्यू माइनस सिंगलटन जीरो, ऐसे ही इसको लिख देते हैं रियल नंबर के सेट को आर स्टार से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा आर माइनस सिंगलटन जीरो। और अगला ऐसे इसको लिख देते हैं हम सी स्टार, और ये हो जाएगा सी माइनस सिंगलटन जीरो। तो अब देखना है जो है इसमें जीरो हट गया, तो जीरो हटने के बाद मल्टीप्लीकेशन के लिए जो है यहां पर मल्टीप्लीकेशन, अगर बाइनरी ऑपरेशन हमने तीनों में, तो मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए अब हर एलिमेंट का आइडेंटिटी तक हमने बात की थी, अब हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल जाएगा हमको जो है, और जो है इनवर्स के साथ साथ अन्य प्रॉपर्टीज भी इसमें होल्ड हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं।